दोस्तों बात करते हैं फिल्म तितली की। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां परिवार के खिलाफ शादी करने के बाद अलग अलग घटनाएं घटती हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कनु बहल। यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म तितली 30 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म 2014 के कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। उसके बाद से ये फिल्म 22 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा चुकी है। हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने बात की फिल्म से डेब्यू कर रहे दिल्ली के शशांक और शिवानी से। चलिए जानते हैं आखिर फिल्म में ऐसा क्या है देखने लायक। ये मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आता है कि हम जैसे इंडियन बोलते तो सीधी सादी क्यों बोलते हैं। फिल्म में हम परेशान हैं पूरे सिस्टम से, पूरे हिंदुस्तान इस गरीबी से, बिजली ना होने से, पानी ना होने से, पिटने से, अपने भाई के हाथों से, चप्पलों से। टीवी पे जब मैं किसी का इंटरव्यू देखती थी तो मुझे लगता था वाह यार, मतलब ऐसा ये लाइफ चाहिए मुझे। इस समय मेरे साथ मौजूद है तितली, मिलना चाहेंगे उनसे? देख के बिल्कुल आप हैरान हो जाएंगे, पक्का हमारा वादा है। तितली बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्रेस। शुक्रिया शुक्रिया लाने के लिए। तो तितली आर रेडी टू फ्लाई ऑन 30th। कैसा लग रहा है? फ्रीडम फ्लाई हाई। अभी फिलहाल तो ब्लैंक महसूस हो रहा है, कुछ नहीं महसूस हो रहा है। होपफुली पिक्चर निकलेगी तो कुछ महसूस होगा। अभी बिल्कुल खाली है, दिमाग खाली है और बस वेट कर रहे हैं क्या होता है। किस तरीके का किरदार है? क्योंकि जनरली जब तितली हमारे जहन में आता है बटरफ्लाई, कहते हैं कि वी आर फ्री फ्लाई फ्लाइंग इन द स्काई, तो इसमें कितना आप हाई फ्लाई करेंगे और कितना आप दब के फ्लाई करेंगे? तितली तो इनफैक्ट इसमें पूरा बंधा हुआ है, पूरा क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट में दबा हुआ है और तितली भागना चाहता है अपनी दुनिया से। तो तितली शायद एंड में उड़ता है पर उसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी, पर ये जरूर एक तितली के बारे में जो हाँ निकलना चाहती है। अच्छा शशांक, हमें बताइए कि आप फिल्म के अंदर परेशान किससे हैं, अपनी बीवी से या अपने बड़े भाई से? फिल्म में हम परेशान हैं पूरे सिस्टम से, पूरे हिंदुस्तान इस गरीबी से, बिजली ना होने से, पानी ना होने से, पिटने से, अपने भाई के हाथों से, चप्पलों से, अपने खानदानी काम से जो गाड़ी चुराना है, वो सब चीज़ों से दुखी है। और इसे एक लड़की मिलती है जो अपनी दुनिया से दुखी है, लड़की मिलती है जो हर चीज़ से दुखी है अपनी दुनिया में, और वो भी भागना चाहती है, और ये दोनों साथ में। मैं दुखी नहीं हूं, प्लीज, मेरा कैरेक्टर दुखी नहीं है। मतलब नहीं, हाँ मतलब मैं दुखी नहीं हूँ। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, हमने ट्रेलर्स देखे हैं। लेकिन शानी आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने फिल्म साइन करी, एक एक ख्वाब होता है काजोल की तरह DDLJ, आंखें बंद करते हैं चारों तरफ शाहरुख जैसा हाथ 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 फैलाते हुए दिखाई देते, लेकिन इसमें एक सिंपल सादी एकदम इंडियन ट्रेडिशन वाली लड़की का किरदार आपको, मतलब वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका शायद। ये मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आता है कि हम जैसे इंडियन बोलते तो सीधी सादी क्यों बोलते हैं। इंडियन लड़कियां नॉर्मल लड़कियां होती हैं, ठीक है, और नीलू बिल्कुल सीधी सादी नहीं है। शिवानी सीधी सादी है जैसे आप थोड़ा। मैं पर्सनली बहुत सीधी सादी हूँ प्लीज, और नीलू सीधी सादी लड़की नहीं है, और कोई भी लड़की एकदम सीधी सादी नहीं होती है। नीलू बहुत स्ट्रांग है, सलवार कमीज पहनने का मतलब सीधा सादा होना नहीं होता है, और आपको ही पता होगी ये बात। सो उसको पता है वो जिस माहौल से है, हाँ वहाँ उस माहौल में लोग सलवार कमीज बहुत पहनते हैं, पर हम कपड़ों से ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि वो सीधी है। इट्स अ फैमिली ड्रामा, 5 लोगों की फैमिली है। आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं एक सीरियल का जो प्लॉट होता है जिसके अंदर भाई बहन का किरदार होते हैं बिल्कुल टिपिकल, और कहीं ना कहीं ये सीरियल्स जो हम देखते हैं सास बहू और फैमिली ड्रामा जो देखते हैं कहीं ना कहीं मैच करते हैं? ये तो आपने क्या ही कर दिया, ये मतलब सीरियल से हम मतलब फिल्म से भी कोई अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, आपने सीधा सीरियल का स्टैम्प कर दिया। फैमिली वर्ल्ड वाइड एक ऐसी चीज़ है, हम लोग बॉर्न फैमिली में होते हैं, हमारे रूट्स सब कुछ हमारी फैमिली में रहते हैं, हम कितने भी बड़े हो जाएं बट हम बिलोंग करते हैं अपनी एक फैमिली को, और इससे सब कोई रिलेट कर पाता है। तो कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है ऐसा, तो यशराज की सारी फिल्में आप बोलोगे सीरियल से, और राजश्री प्रोडक्शन की सारी फिल्म सीरियल है, ऐसा कुछ नहीं है। तितली आपको कुछ रियलिटी दिखाते हैं जो शायद आपको सीरियल्स नहीं दिखाते हैं। सो तितली आपको वो बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली फैमिली क्या है। इस फिल्म के अंदर बहुत रियलिस्टिक चीज़ें हैं। यशराज जब आपके जहन में आया था कि यशराज की मूवी है तो आपको कहीं ना कहीं लगा वैनिटी वैंस, एसी होगा, मेकअप्स, लेकिन रियल जिंदगी के अंदर हमने सुना है धूप के अंदर बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने। बजट कम था ना, सो
नहीं बहुत मेहनत करी है। हाँ ऑफ कोर्स हर किसी को लगता है, जब मैंने मुझे भी लगता था क्योंकि मैंने सिर्फ टीवी पे जो सिनेमा देखा था और टीवी पे जब मैं किसी का इंटरव्यू देखती थी तो मुझे लगता था वाह यार मतलब ऐसा ये लाइफ चाहिए मुझे। पर ऑफ कोर्स तितली में मेरा वो सपना पूरा नहीं हुआ, बट इवेंचुअली हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं, मैंने तितली से बहुत कुछ सीखा है और अब मैं एक भी मोमेंट रिग्रेट नहीं करती। मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ की सबसे अच्छी अचीवमेंट है अभी तक, मतलब मैं 24 साल की हो चुकी हूँ तो जितना भी मैंने अचीव किया है उसमें सबसे बेस्ट अचीवमेंट तितली है। शशांक, वर्किंग विद दिबाकर बैनर्जी कई लोगों के लिए ड्रीम कम ट्रू होता है क्योंकि ही इज अ फैंटास्टिक वंडरफुल डायरेक्टर। क्या कुछ सीखने को मिला डायरेक्टर के साथ वर्क करके, दिबाकर के साथ स्पेशली? दिबाकर एक्चुअली मेरे को प्रोजेक्ट के दौरान बस दो बार मिले, तो दिबाकर वाजंट समवन आई वाज लाइक, दिबाकर इस फिल्म पे प्रोड्यूसर थे। इस फिल्म पे मैं सीखा हूँ किसी से तो वो कन्नू बैल हैं, वो हमारे अतुल मोंगिया कास्टिंग डायरेक्टर हैं, हमारे डीओपी सिद्धार्थ दीवान हैं, रणवीर शोर है, शिवानी, इन सब से सीखा हूँ। दिबाकर के साथ रिलेशनशिप बहुत कम था आफ्टर द मूवी इज एंडेड, प्रमोशन के दौरान, पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान हाँ रिलेशनशिप बढ़ा है। बहुत चीज़ें सीखा हूँ मैंने नटशेल, बहुत उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है जो मेरे को आगे यूज़ करनी है अपने काम में। तो जी आपने रणवीर शोरे के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप, बड़े भाई के किरदार में वो आपके आ रहे हैं, ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर, तो क्या सीखने को मिला आपको? बिकॉज इफ यू आर डूइंग अ डेब्यू और आप मूवी कर रहे हैं, क्या सीखने को मिलता है व्हेन यू वर्क विद सच अ वर्सेटाइल एक्टर्स इन द मूवी? बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, लोग बहुत जल्दी ऐसे बोल देते हैं कि ये कैरेक्टर तो सिर्फ यही कर सकता है, ये तो इस तरीके की दिखती है तो ये इस टाइप का। तो शोरी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि आप ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कॉमेडियन दिखता हूँ उनके पे भी स्टैम्प था कि अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं। तो काफ़ी सालों से मुझे लग रहा है, मैंने उनकी 3-4 जो भी 5 फिल्में लगातार देखी वो सब कॉमेडी थी, बट आफ्टर डूइंग तितली आई गेस वो प्रूफ कर चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लुक्स मैटर नहीं करते हैं और अगर इफ़ यू आर अ गुड एक्टर यू कैन डू एनीथिंग, सो आपको बन के नहीं रहना चाहिए। तो मैंने उनसे ये सीखा है, बाकी तितली से तो मैंने वैसे ही बहुत कुछ सीखा है। शिवानी ये बहुत जल्दी क्वेश्चन बहुत जल्दी है आपसे पूछना है कि ड्रीम आपका कौन सा ड्रीम रोल है, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप कहते हैं सिनेमा देख के बड़े हुए हैं, सिनेमा को बहुत देखा है आपने, व्हाट्स योर ड्रीम रोल? एक्चुअली जो मेरा ड्रीम रोल था शायद मेरे को तितली से मिल गया है, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बहुत साल काम करने के बाद शायद फिल्म में जो कोई हीरोइन होती है या कोई लड़की को इतना स्ट्रांग कैरेक्टर करने के लिए मिलता है, क्योंकि हमारे बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को इतना ट्रस्ट नहीं किया जाता कि अच्छा इनको इतना स्ट्रांग, उनका काम होता है गाना में गाना आया तो डांस किया और हीरो को रोमांटिक लाइन्स दे दिए और थोड़ा बहुत होता, बाकी फिल्म मेजरली एक्टर की होती है। पर तितली 5 लोगों की कहानी है और 5 एक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें और 4 लड़कों के बीच में एक लड़की अपने आप को प्रूव कर रही है, तो इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिल गया। बट हाँ रिसेंटली मैंने पीकू देखी थी और मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे वो करना था। फैन ऑफ दीपिका, राइट? आई लाइक हर। शशांक वन लाइनर आपसे जानना चाहेंगे, मूवी का वन लाइनर क्या कहेंगे फैंस को? गाड़ी चोरों के बारे में एक कहानी और एक लड़का निकलना चाहता है इस दुनिया से, एक्साइटमेंट, एक्शन, रोमांस, हर चीज़ है, प्लीज़ देखिएगा 30 अक्टूबर को। शिवानी वन लाइनर फ्रॉम यू इन सम एक्ट्रेसेस, एक्ट्रेस स्टाइल जिसको आप फॉलो करते हैं, जो आपकी ड्रीम है, क्या पता ये रोल के बाद आपको डायरेक्टर्स उस रोल में आपको दे दें? नहीं यार नहीं, मैं अपने जैसे ही रहना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जा रही हूँ आजकल, तो मुझे नई कंपैरिजन में फंसना है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, प्लीज़ जाके फिल्म देखो क्योंकि हमारी फर्स्ट फिल्म है और आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ 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 देख के आओ और अपनी फैमिली को भी लेके जाओ और दिखाओ। और 30 अक्टूबर तितली पोस्टर आपके पीछे है, ये फिल्म का पोस्टर जरूर देखिएगा, बहुत जरूरत है, वरना यशा आपके पैसे वापस कर देगी आपको पिक्चर अच्छी नहीं लगी तो। ये हर जगह जाके यही बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला नहीं हुआ। चलिए 30 अक्टूबर एक फैमिली ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। कैमरामैन अवीश आज चौधरी के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस। ये मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आता है कि हम जैसे इंडियन बोलते तो सीधी सादी क्यों बोलते हैं। फिल्म में हम परेशान हैं पूरे सिस्टम से, पूरे हिंदुस्तान इस गरीबी से, बिजली ना होने से, पानी ना होने से, पिटने से, अपने भाई के हाथों से, चप्पलों से। टीवी पे जब मैं किसी का इंटरव्यू देखती थी तो मुझे लगता था वाह यार मतलब ऐसा ये लाइफ चाहिए मुझे।